हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 8 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहां पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि 2022 में कॉमनवेल्थ की तीरंदाजी और निशानेबाजी वाली चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित होगी। ये दोनों प्रतियोगिताएं जो है कहां पर आयोजित होगी, भारत के चंडीगढ़ शहर में आयोजित इनको किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए पहला क्वेश्चन है, वेंटिलेटरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसने प्राणवायु नामक एक कम लागत का नया पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है। तो ये किसने विकसित किया है, IIT रुड़की ने इसका विकास किया है प्राणवायु नामक नए पोर्टेबल वेंटिलेटर का। देखिए जैसा कि आपको पता है अभी जो COVID-19 की वजह से दिन ब दिन लोगों की जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और जो वेंटिलेटर्स हैं उनकी मांग भी बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी जो स्टार्टअप्स हैं उन्होंने अपने अपने सस्ते वेंटिलेटर्स जो है डेवलप किए हैं जिनको अलग अलग नाम दिए हैं, जो मैं पिछले वीडियोज़ में आपको बताता जा रहा हूँ। और हाल ही में जो IIT रुड़की है इसने भी एक अपना खुद का सस्ता वाला जो वेंटिलेटर है उसको विकसित किया है जिसका नाम क्या दिया गया है, प्राणवायु, इसको नाम दिया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा, एक पोर्टेबल वेंटिलेटर है कम लागत वाला जिसकी लागत 20 से 25,000 रुपए रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे देखिए, नास्कॉम ने इंफोसिस के मुख्य परिचालन अधिकारी CEO जिनको हाल ही अपना नया अध्यक्ष चुना है, तो आंसर आपका हो जाएगा यहां पे प्रवीण राय। देखिए यहां पर जो प्रवीण राय है ये इससे पहले इंफोसिस कंपनी है, ये इसके मुख्य परिचालन अधिकारी थे। ठीक है, और इंफोसिस कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी से इन्होंने जो हाल ही में जो नास्कॉम कंपनी है इसका अध्यक्ष का पदभार संभाला है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये हैं UB प्रवीण राय, ठीक है, जिनको हाल ही नास्कॉम का चेयरमैन चुना है, मतलब कि अध्यक्ष। और उसके बाद में देखिए अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो नास्कॉम कंपनी है ये क्या है, तो नास्कॉम का देखिए फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि एक IT कंपनी है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, जिसके जो वर्तमान में जो मतलब कि जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, वो केशव राव है, जिनका स्थान यहाँ पे अब कौन लेगा, यहाँ जो प्रवीण राव है इनको चुना गया है। और फाउंडेड डेट है इसकी 1 मार्च 1988, नई दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हस्ती MK अर्जुन जिनका हाल ही 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, ये कौन है। तो एक प्रसिद्ध मलयालम संगीतकार रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी फेमस मलयालम संगीतकार थे जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने अपने मतलब कि जीवन काल में लगभग 700 से ज़्यादा गानों में अपनी आवाज़ दी है और कई सारे अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं, तो एक मलयालम संगीतकार हैं, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, MK अर्जुन 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखिए, हाल ही में प्रकाशित दिवंगत गोवा के CM मनोहर पारिकर पर लिखी किताब एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, सतगुरु पाटिल और माया भूषण नागवेंकर। ये देखिए माया भूषण है यहाँ पर, माया भूषण नागवेंकर और सतगुरु पाटिल, इन दोनों के द्वारा कम्बाइंड रूप में ये बुक लिखी गई है, जो क्या जिसका नाम क्या है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, जो मनोहर पारिकर जी पूर्व जो रक्षा मंत्री रह चुके थे, जो इनका रिसेंटली निधन हो गया था। ठीक है, तो उन्हीं की जीवनी इस पुस्तक के अंदर लिखी गई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसकी जीवनी है, मनोहर पारिकर जी की जीवनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2019-20 में रिकॉर्ड कितना राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया है। तो टोटल यहाँ पे 3,979 किलोमीटर का जो है इस जो वित्त वर्ष 2019-20 इसके दौरान नए राजमार्गों का निर्माण किया गया है NHAI के द्वारा। ठीक है, NHAI के द्वारा, ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में जाने, तो देखिए यहाँ जो पिछला जो वित्त वर्ष था 2018-19 उसमें केवल 3,388 किलोमीटर का राजमार्गों का निर्माण हुआ था, जबकि इस बार एक नया रिकॉर्ड बना है। ठीक है, पिछले अगर टाइम की कंपैरिजन करें तो 2019-20 वित्त वर्ष में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ है, और कितना हुआ है,
29 किलोमीटर्स का ये टोटल जो है इसका निर्माण हुआ है। देखिए जो राष्ट्रीय राजमार्गों का जो मैक्सिमम जो निर्माण हुआ होता है वो मुख्यतः जो हो ज़्यादातर हुआ है वो भारतमाला परियोजना के तहत होता है। देखिए भारतमाला योजना शुरू की गई थी, ठीक है, इसका उद्देश्य सभी राज्यों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ना, मैक्सिमम इनका निर्माण करना, ये भारतमाला परियोजना के तहत होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए COVID-19 पैरामेडिक की वजह से विश्व भर में लॉकडाउन के दौरान किस प्रकार के अपराध के सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। तो देखिए लॉकडाउन अभी जो है 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया था, इस दौरान सबसे ज़्यादा जो मामले सामने आए घरेलू हिंसा के सामने आए, क्योंकि लोग एक साथ हैं, पूरी फैमिली एक साथ हैं, तो इस तरीके के मामले जो है बहुत ज़्यादा इस टाइम में सामने निकल कर आए हैं, ठीक है, घरेलू हिंसा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 6 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, जो यूनाइटेड नेशन है इसके द्वारा ये विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना विश्व स्वास्थ्य दिवस की प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है, तो देखिए ये आपका ध्यान रखना है हर साल ये 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना भारत में COVID-19 के खिलाफ लड़ने में मदद के लिए किसने लाइफलाइन उड़ान पहल लॉन्च की है, तो ये किसने लॉन्च की थी, ये उड्डयन मंत्रालय ने लॉन्च की थी, जिसका नाम क्या है उड़ान पहल, लाइफलाइन उड़ान, ठीक है। देखिए उड्डयन मंत्रालय है उसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए देश में लाइफलाइन उड़ान पहल के तहत 152 उड़ानों के जरिए 200 टन से अधिक आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति अब तक की गई है। तो हाल ही में मतलब कि ये शुरू की गई थी, और इसके अंदर जो भारतीय एयर इंडिया है, भारतीय वायुसेना, ठीक है, उसके अलावा अन्य निजी कंपनियाँ भी जो है इसके अंदर इस पहल के अंदर शामिल है, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रलिन का COVID-19 के कारण हाल ही में निधन हो गया है, तो ये किस देश के हैं, ये हैं लीबिया के, ठीक है, जिनका रिसेंटली COVID-19 की वजह से संक्रमण के कारण निधन हो गया है, महमूद जिब्रलिन, ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी प्रयासों को अपना समर्थन देने के लिए किस नाम से एक विशेष पहल का शुभारंभ किया है, तो ये किया है यहाँ पे करुणा नाम से। देखिए करुणा नाम से एक नई पहल, जो जितने भी जो सिविल ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उन्होंने एक पहल शुरू की है कंबाइंड में मिक्स मिलके सबने एक साथ, और उसको क्या नाम दिया गया है, करुणा इसको नाम दिया गया है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूयॉर्क के चिड़ियाघर में किस जानवर की कोरोना से हुई मौत के बाद भारत के सभी चिड़ियाघर में हाई अलर्ट जारी कर दिए गए। देखिए अभी न्यूयॉर्क का एक चिड़ियाघर है जिसमें पहला ऐसा केस है कि किसी जानवर की कोरोना की वजह से मौत हुई है, पॉजिटिव पाया गया था, तो ये है बाघ। देखिए जो न्यूयॉर्क का जो मतलब कि ये है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा चिड़ियाघर, इसमें बाघ जो है, एक बाघ वो कोरोना से संक्रमित हुआ था जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई है अभी रिसेंटली, तो ऐसा पहला मामला है, ये इससे क्वेश्चन बन सकती है कि ऐसा कौन सा मतलब कि पहला मामला या फिर कौन सा जानवर है जिसको मतलब कि कोरोना की वजह से जिसकी मृत्यु हुई है, ठीक है, तो ये इस तरीके से कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ये पहला मामला है जानवरों के अंदर मृत्यु का इस कोरोना की वजह से, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में काफ़ी देशों सहित भारत ने भी जो है जितने भी जो चिड़ियाघर हैं उन पर हाई अलर्ट जारी किया है, साथ ही वहाँ पर जो मतलब कि जो हमारा डिपार्टमेंट है उसने बोला है कि लिमिटेड स्टाफ होगा, जितने भी जो जानवर है बाघ वगैरह उन पर 24/7 आवर्स जो है कैमरे से निगरानी रखी जाएगी, तो इस तरीके से सारे कदम से यहाँ पर उठाए गए हैं, ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर हो रहा है कि हो सकता है धीरे धीरे जो जानवर है उनमें भी ये COVID-19 फैलता जाए, ठीक है, मनुष्य से संचरण होता जाए, तो इस तरीके से यहाँ पे ये अलर्ट जारी किए गए हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आज की जो क्विज है इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए क्वेश्चन है कि हाल ही एयरलाइंस कंपनी एयरगो ने किसे अपना नया सीईओ चुना है, आपको यहाँ पर बताना है कमेंट बॉक्स में, जो एयरलाइन कंपनी है एयरगो, ठीक है, गो एयर, ठीक है, इसने इसके द्वारा हाल ही रिसेंटली जनवरी के लास्ट में जो है अपना नया सीईओ इसने चुना था, वो किसे चुना था ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, जो भी सही आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मेंशन करना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर, उम्मीद है वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो। धन्यवाद।